लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई है। वहीं सभी प्रत्याशी अपने अपने नामांकन कर चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। नामांकन की आखिरी तारीख को सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल कर नारेबाजी की। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शिखर शर्मा ने भी अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के लिए चुनाव लड़ाई जनता के हित में ही कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य मार्ग यमुना शुद्धिकरण का है और मुख्य कार्य यही है और सबसे पहले उनके द्वारा किया जाएगा। बाकी जनता की जो मांग होगी वही कार्य उनके द्वारा किए जाएंगे। और क्या कुछ कहा निर्दलीय प्रत्याशी शिखा शर्मा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कन्या सबका विवाह कराना, जिनको रोजगार नहीं उनके लिए रोजगार खुलवाना, यही मेरा निर्णय। जनता की आवाज़, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या किया, क्या किया वो उनका नजरिया है, जो मैं करूँ वो मेरा नजरिया है। जनता के बीच जाएंगे सही कि कितने काम हुए या नहीं हुए बताओ। जनता जो काम कहेगी वही करूंगी, जनता के कहने के अनुसार चलूंगी, क्योंकि जनता मुझे बना रही है, मैं जनता को नहीं बना रही। जनता जो कहेगी वही मैं करूंगी, मेरा खुद का कोई निर्णय नहीं है, मेरा निर्णय जनता का निर्णय होगा। जनता के लिए विशेष क्या करोगे आप? यमुना नदी शुद्ध करवाऊंगी। इसके अलावा रोजगार के अवसर बताए भाई साहब। वकील साहब, जो गरीब कन्या विवाह नहीं हो सकता उनको उनकी विवाह कराऊंगी। अच्छा ये बताइए, पहला चुनाव लड़ी है आपने? पहला चुनाव है आपका? मेरा दूसरा चुनाव है, पहला मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रही थी राजपुर। अच्छा, तो कितनी उम्मीद आपको अब लग रही है कि आप अपने चुनाव मैदान में आ रही हैं, जनता कितना भरोसा आप पर कायम करेगी? ये उम्मीद तो रावण को भी नहीं थी, हनुमान जी लंका जरा जाएंगे। क्या